आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन मरीजों को स्मेल और टेस्ट गायब हो गया है उसका इलाज आपको घर पर क्या करना है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, जिससे हम इस तरह के वीडियोस और भी बनाएं। आइए समझ लेते हैं इसका इलाज क्या है, घर पर इसका इलाज आपको क्या करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आपको एक 5 ml का सिरिंज लेना है। ये मेरे पास 3 ml का सिरिंज है और आपको लेना है 5 ml का सिरिंज। 5 ml का सिरिंज लेने से आपको करना क्या है, जब 5 ml की सिरिंज आप नई लेके आएंगे, ध्यान रहे नई सिरिंज आपको लेनी है, और नई सिरिंज आपको लेने के बाद में और इस सिरिंज को आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। इस सिरिंज में से आपको ये जो निडिल है सुई है, इसे आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है और इसे आप साइड में रख देना है। अब हमारे पास केवल ये पिचकारी टाइप का बन गया, ये हमारे पास केवल एक सिरिंज है जिससे हम पुश करेंगे और आसानी से अपने घर पर इस जो टेस्ट और स्मेल गायब हुआ है, स्पेशली स्मेल जिनका गायब हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि स्मेल गायब होता क्यों है। इसके कई सारे कारण हैं। एलर्जी हो सकती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की अगर किसी की दवाइयाँ चल रही हैं ऐसे, इसके कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है, PND एक बीमारी होती है पोस्ट नेजल ड्रिप, उसके कारण हो सकता है, अगर नाक में पॉलिप है उसके कारण हो सकता है, अगर किसी मरीज को साइनसाइटिस है इसके कारण हो सकता है, अगर किसी मरीज को कोविड के लक्षण हैं उसके वजह से हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोविड के कारण ही आपको स्मेल और टेस्ट का लॉस हो। अभी काफ़ी सारे ऐसे मरीज हैं जिनको स्मेल और टेस्ट लॉस हुआ है और उनको लग रहा है कि मुझे कोविड हो गया, यानी कि कोरोना हो गया। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स और भी होंगे, जैसे बुखार आना, जुकाम खांसी होना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। हिस्ट्री भी मिलेगी कि पेशेंट कहीं आया है या किसी सस्पेक्टेड से मिला है, ठीक है, तब आपको सोचना है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पर हम केवल इसको समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं जो आपका सुगंध या जो आपकी स्मेल गायब हुई है। आपको करना क्या है, 2 कप पानी लीजिएगा, जिस पानी को आप पहले गर्म कर लीजिएगा और उस पानी को आप ठंडा कर लीजिएगा। तो उस पानी में आपको 2 चम्मच नमक डालना है, जो कि नॉर्मल नमक होना चाहिए, जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं उस नमक को डालिएगा, और उसके साथ में आपको 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, यानी कि जो बाइकार्बोनेट होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसे आप मिलाएंगे और इस दोनों चीज़ों को आप पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब इस मिक्स करे हुए पानी का आपको करना क्या है, उस 5 ml की सिरिंज से आप उसे भरिएगा और इस तरीके से अपने नोज में उसको पुश कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोज में पुश कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपके नाक के अंदर कुछ जमा हुआ है, या जो एक कहते हैं ना कि पपड़ी टाइप का बन जाता है, क्रस्ट टाइप का बन जाता है, या अगर आसान शब्दों में समझे तो मान लीजिए हमारे स्किन पर अगर कुछ मेल टाइप का या कुछ गंदगी जम जाती है, तो हमारे जो पोर्स होते हैं पसीने के, वो बंद हो जाते हैं, जिससे हमें पसीना आना बंद हो जाता है। आपने कई ऐसे मरीजों को देखा होगा जिनको पसीना नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जो उनके पोर्स होते हैं, जो उनके छोटे छोटे माइनर जो होल होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पसीना नहीं आता है, और पसीना डिहाइड्रेशन की वजह से भी कई मरीजों को नहीं आता है। लेकिन ये कॉमन होता है कि उनकी जो स्किन का जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पसीना बाहर नहीं आ पाता। इसी तरीके से जो हमारे नाक है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं या जो सेंसरी एरियाज हैं, वहाँ पर क्या होगा कि एक पतली पतली टाइप की परत टाइप की बन जाती है, क्रस्ट टाइप का बन जाता है, जो कि स्मेल को नहीं आने देता और स्मेल हमारी गायब हो जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, जो बेकिंग सोडा है इसका आप 5 ml लीजिएगा और आप एकदम से इसे पुश कर दीजिएगा, जो कि इधर से जाएगा और दूसरी नाक से हमारे से निकल आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये सिरिंज जो है नई लेना है, और जो आप बेकिंग सोडा का जो पानी बनाएंगे वो हर बार नया बनाना है। दिन में आप 2 से 3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं, और अगर किसी को एलर्जी है इन चीज़ों से तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। और वॉश बेसन पे खड़े होके करें या फिर ऐसी जगह पर खड़े होके करें जहाँ पर आपको आसानी हो खड़े होने में और आसान तरीके से आप कर सकें। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना
स्मेल और टेस्ट का लॉस होने के जो कारण होते हैं, और इसका इलाज जो आप घर पर कर सकते हैं वो बहुत आसान है, जो मैंने आप सभी को अभी बताया है। इसके साथ में आपको विटामिन्स की कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, टैबलेट्स या विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो आपकी अगर नर्व थोड़ी बहुत डैमेज होगी या नर्व अगर थोड़ी बहुत वीक होगी तो विटामिन से, स्पेशली विटामिन B12 से ये ठीक हो जाएगी। इसके साथ में आपको पानी का सेवन थोड़ा अच्छा करना है, अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जी वाली जगहों से जाने से बचें, अगर किसी को एलर्जी के कारण ऐसा हो रहा है तो आप एलर्जी का ट्रीटमेंट करें, और कई बार एलर्जी की दवाइयाँ लेने से भी ये ठीक हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर आपके करीबन मेरे पास 150 से 200 SMS डेली आते हैं, लेकिन उनका मैं केवल से केवल 30 से 35 या 40 SMS का रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि 30 से 40 SMS का रिप्लाई करने में भी कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाते हैं, जो कि इवनिंग में मैं करता हूँ, जब मेरा सारे कामों से मैं फ्री हो जाता हूँ उसके बाद आप सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप एक बार ज़रूर, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप वहाँ पर भी मुझे कमेंट्स अपने और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं।